हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत का पांचवा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने प्रतिशत के चार भाग बना के रखे हैं, आप उन वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है आज का हमारा पहला सवाल है राम अपनी आय का 20% भोजन पर, 40% वस्त्र पर, 20% भोजन पर, 40% वस्त्र पर तथा 10% शिक्षा पर खर्च करके 10% शिक्षा पर खर्च करके 360 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। इस क्वेश्चन में इसकी जो मासिक आय है उसको हमको सॉल्व करना है या उसकी जो मासिक आय है उसको ज्ञात करना है। इस प्रकार से 20% भोजन पर, 40% वस्त्र पर और जो 10% है वो शिक्षा पर खर्च करता है, तो ये कुल मिला के 70%। राम जो 100% है उसमें से 70% को खर्च करता है और उसमें 360 रुपये बचाता है, 360 रुपये बचाता है। 70% तो खर्च करता है और 360 रुपये बचाता है, तो कितना परसेंट बच जाएगा, 30%। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 100 - 70 = 30। इस प्रकार से राम 100% में 70% खर्च करता है और जो बचाने वाली राशि है वो 30% है। खर्च करके 360 रुपये बचाता है, तो उसकी जो मासिक आय है वो हमको ज्ञात करना है। 360 बचाता है, 30% इसमें बच जाता है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, 12 × 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 100 हो जाएगा, तो 12 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तब कितना बच जाएगा, 1200 रुपये। तो उसके जो मासिक आय है, राम का जो मासिक आय है वो कितना है, 1200 रुपये। आंसर यही इसका आंसर है। तो राम की जो मासिक आय है वो 1200 रुपये है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि करे तो कोई साहूकार खाने में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तित, यथावत या पूर्ववत बने रहे। इसमें हमको ये ज्ञात करना है कि अगर मान लो चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो रही है तो उसके जो खाने में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसकी जो खर्चा है वो परिवर्तित रहे, यथावत रहे या पूर्ववत बनी रहेगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25% की वृद्धि हो रहा है, 100 में 25% की वृद्धि हो रहा है। जैसे ही 25% की वृद्धि होगी तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 125। 25% की वृद्धि होगी तो हम सीधा 125 में पहुँच जाएंगे। तो 25 × 100, 25% की वृद्धि हो रही है तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 125 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 25 × 25, 25 × 125, 5 × 5, 20 × 100। इस प्रकार जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कितना परसेंट बच रहा है, 20%, यही इसका आंसर होगा। तो
साहूकार खाने में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तित यथावत या पूर्ववत बने रहे, तो इसका जो आंसर होगा वो है 20%। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% कमी करे तो कोई साहूकार खाने में कितना प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित यथावत या पूर्ववत बनी रहे। इससे पहले के जो क्वेश्चन था उसमें क्या हो रहा था, 20% की वृद्धि हो रही थी, तो हमको उसमें कितना प्रतिशत कमी करना था उसको ज्ञात करना था। बट इसमें क्या हो रहा है, उसका जो मूल्य है, चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% की कमी हो रही है, तो कितना प्रतिशत खाने में वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित यथावत या पूर्ववत बनी रहेगी। 100 में 20 कम हो जाता है। अगर मान लो कोई सामान है, ठीक है, 100 में 20 रुपये कम हो जाता है तो कितना बच जाता है, 80 रुपया। इसी प्रकार से 100 में 20% की कमी हो जाती है तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 80% में। 20 का 80% और जो प्रतिशत निकालना है इसके लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब काटेंगे तब क्या आएगा, 100/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25%, इसका जो आंसर होगा वो 25% होगा। क्या करना पड़ेगा, 25% हमको खाने में कितना परसेंट वृद्धि करेंगे, 25% वृद्धि करेंगे, तब जाके उसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित यथावत और पूर्ववत बनी रहेगी। इस क्लास में हमने आज कुछ ट्रिक्स के माध्यम से प्रतिशत के कुछ आसान सवाल को ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व किया। आज के बाद हम एक फिर से नया वीडियो लेके आएंगे जो कि वो नेक्स्ट पार्ट होगा। आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।